105। दोस्तों, आज मैं 105 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके पिछले चार पार्टों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम सेथ नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे बहुत ही खतरनाक ट्रैप से बांधा गया था। फिर उसकी आँख खुलते ही बताया जाता है कि वो मर्डर के केस में 5 साल जेल में था। हालांकि उसे लगता है कि वो आजाद हो चुका है, लेकिन जिग्सॉ उससे कहता है कि मैं तुम्हें असली आजादी दूंगा और फिर बताता है कि तुम्हें एक ट्रैप में बांधा गया है जहां पर 30 सेकंड के अंदर ही एक पेंडुलम गिरेगा जो हर 7 सेकंड में नीचे आता जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे, इसके लिए उनकी हड्डियों को तोड़ना होगा। इसके बाद वीडियो खत्म होते ही पेंडुलम चालू हो जाता है। हालांकि सेथ अपने हाथों को ट्रैप में डालकर तोड़ लेता है, लेकिन तब तक वो पेंडुलम नीचे आ जाता है जिससे उसका पेट कट जाता है और वो बुरी तरह से मारा जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाहर से कोई उसे देख रहा था। फिर शिफ्ट होता है और हम पीटर को देखते हैं जो जेफ को मारने के बाद आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हॉफमैन दरवाजा बंद कर देता है जिससे वो अंदर ही कैद हो जाता है। इसीलिए वो दूसरे दरवाजे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब वहाँ पर उसे एक टेप मिलता है जिसमें उसे जॉन की डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है कि क्या सिर्फ डेड बॉडी मिलना उसकी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करता है या फिर उसे बेसमेंट में जाकर और भी चीजों को सर्च करना चाहिए। हालांकि उसे बेसमेंट में जाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पर खतरा था। फिर भी पीटर बेसमेंट में पहुंचता है, तभी उस पर पिग मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसे ट्रैप में पाता है जो उसके सर पर लगा हुआ था और वो चाहकर भी उस ट्रैप को नहीं निकाल पा रहा था। इसके बाद वो ट्रैप चालू हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है जिससे पीटर सांस नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वो अपने पास मौजूद पैन से अपने गले में छेद करके सांस लेने लगता है और बच जाता है। इधर हम हॉफमैन को देखते हैं जो जेफ की बेटी को बचाकर बाहर आ जाता है और सब लोगों के सामने हीरो बन जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि पीटर को भी बचा लिया जाता है, लेकिन ये देखकर हॉफमैन बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में जिल को उसके एक्स हस्बैंड जॉन का वकील एक वीडियो टेप देता है जिसमें जॉन बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बॉक्स छोड़ा है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जब जिल को वो बॉक्स दिया जाता है तो वो उसे अपने पास मौजूद चाबी से खोल लेती है। इसके बाद हम हॉफमैन को देखते हैं जो एविडेंस रूम में सबूत खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पीटर बुलाता है जो लिंजी के मरने से काफी दुखी था। फिर जब हॉफमैन उसके पास पहुंचता है तो पीटर उससे पूछता है कि लिंजी ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? लेकिन हॉफमैन को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए पीटर उससे पूछता है कि तुम बिल्डिंग से बाहर कैसे आए, क्योंकि मुझे वहाँ पर किडनैप कर लिया गया था, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अब हॉफमैन बताता है कि मैं जिग्सो के पीछे बहुत पहले से पड़ा था और कहीं ना कहीं उसे समझने लगा हूँ, शायद यही वजह है कि मैं वहाँ से बचकर निकल पाया। इस दौरान पीटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जिग्सो से कभी भी कोई गलती नहीं होती। हॉफमैन थोड़ी बहुत ही खरोच के साथ सही सलामत वापस आ गया था। अगले सीन में डिपार्टमेंट का हेड एरिक्सन पीटर के पास पहुंचता है। पीटर उससे कहता है कि मुझे आखिरी बार जिल से पूछताछ करनी है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस केस से बाहर कर दिया गया है, जिस बात से पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर हम 5 लोगों को देखते हैं जिन्हें एक रूम में बंद करके रखा गया था और इस दौरान उनके गले में एक केबल लगाया गया था जिसके सिरे धारदार ब्लेड से जुड़े हुए थे। अब होश आते ही वो सब काफी हैरान होते हैं, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है कि उन 5ों को हमेशा वो सारी चीजें मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी, फिर भी उन लोगों ने अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया, यही वजह है कि उन्हें किडनैप किया गया था। इस दौरान उन्हें बताया जाता है कि वो 5ों ही एक केबल से जुड़े हुए हैं जिसकी चाबी उनके सामने बने हुए शीशे के बॉक्स में है। अगर 60 सेकंड के अंदर उन लोगों ने खुद को आजाद नहीं किया तो वो लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वो सब आपस में लड़ते हुए किसी तरह से चाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एजली समय से पहले चाबी तक नहीं पहुंच पाती है जिससे टाइम खत्म होते ही उसके गले की केबल खींची जाती है और वो वहाँ पर लगे हुए ब्लेड से कटकर बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। फिर दूसरे रूम का भी दरवाजा खुल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं जो एविडेंस रूम में सेथ के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि सेथ ने डिटेक्टिव हॉफमैन की सिस्टर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड था, इसी वजह से जिग्सो ने उसे किडनैप किया है। यानी कि जिग्सो सिर्फ उन्हीं को किडनैप करता है या सजा देता है जो अनवर्दी होते हैं और गिल्टी होते हैं। खैर, ये बात पीटर को काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सेथ मारा गया था। इस दौरान वो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करता है कि कैसे सेथ के मरते समय हॉफमैन ने उस पर नजर रखी थी, फिर उसके मरने के बाद हॉफमैन ने ही उस केस को इन्वेस्टिगेट भी किया था। इधर जब सीवर में कैद सभी लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर वो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि
लेजली जो मर चुकी थी वो फायर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थी। खैर इसके बाद वो लोग रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें फिर से एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पर 3 शेल्टर हैं जिनकी चाबियां ऊपर टंगी हुई जार में रखी गई हैं। अगर टाइम रहते वो लोग शेल्टर को नहीं खोल पाए तो रूम में लगे हुए एक्सप्लोजन की वजह से वो सब के सब मारे जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 ही शेल्टर थे इसीलिए वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे चार्ल्स टाइम खत्म होने पर शेल्टर से बाहर ही रह जाता है और वहीं पर एक्सप्लोजन से मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉफमैन को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉफमैन जब सेथ के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो जॉन उस पर इंजेक्शन से अटैक करके बेहोश कर देता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है क्योंकि जिक्सो यानी कि जॉन को पता चल गया था कि हॉफमैन ने ही जिक्सो के नाम का सहारा लेकर अपने सिस्टर के कातिल को मारा है। और क्योंकि जॉन नहीं चाहता था कि कोई उसके नाम का गलत इस्तेमाल करे इसीलिए वो हॉफमैन को समझाता है कि बदला इंसान को पूरी तरह से बदल देता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। फिर हमें पता चलता है कि जब हॉफमैन जिक्सो के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब जॉन भी उस पर नजर रख रहा था। फिर जिक्सो हॉफमैन को धमकी देता है कि तुम इस दौरान एक ट्रैप में बंधे हुए हो, इसीलिए अगर तुमने खुद को आजाद करने की कोशिश की तो मारे जाओगे। इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है और अपना साथ देने के लिए कहकर आजाद कर देता है। हालांकि हॉफमैन इस दौरान काफी कंफ्यूज था लेकिन वो जिक्सो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्रेजेंट में पीटर जब एविडेंस रूम में छानबीन कर रहा होता है तो उसे उन सभी लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनके नाम हॉफमैन ने जिक्सो को दिए थे। तभी एरिक्सन पीटर को एविडेंस रूम से जाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो हॉफमैन को कॉल करता है और बताता है कि अमेंडा के अलावा कोई और भी जिक्सो की हेल्प कर रहा था जो कि मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट से ही है। ये सुनकर जब एरिक्सन एविडेंस रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे जिक्सो केस की सारी फाइलें गायब मिलती हैं, जिससे उसे कहीं ना कहीं पीटर पर शक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पीटर को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पॉल को किडनैप करके रखा गया था, और ये वही पॉल था जिसे हमने पहली मूवी में देखा था। इस दौरान पीटर केस से रिलेटेड फोटोज देखता है और उसे अंदाजा लग जाता है कि पॉल जब ड्रिंक करके अपने घर वापस जाने वाला था तभी उस पर जॉन और हॉफमैन ने पिग मास्क पहनकर अटैक कर दिया था। फिर उसे कटीले तारों के बीच छोड़कर बाहर निकलने के लिए कहा था, इस वजह से वो उन्हीं तारों में फंसकर पूरी तरह से मारा गया था। इसके बाद ही जॉन ने डॉक्टर लॉरेंस को भी फंसाने की कोशिश की थी। इन सब चीजों से ये कंफर्म हो जाता है कि हॉफमैन काफी समय से लोगों को पकड़ने में जॉन की मदद कर रहा था। इसके बाद हम सीवर में मौजूद ब्रिट, लुवा और मैलिक को देखते हैं जो अगले रूम में पहुंचते हैं। वहां पर जिक्सो ने बताता है कि उन्हें अगले रूम में जाने के लिए दरवाजे पर लगे 5 लॉक को सर्किट से जोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो दरवाजे में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर मौजूद बाथटब में वायर डालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं पहुँच पाती है, इससे वो लोग समझ जाते हैं कि उनमें से किसी एक को 5 वायर पकड़कर बाथटब में पहुँचना होगा जिसकी वजह से वो इंसान भी मारा जाएगा। इसीलिए रूबा मैलिक पर अटैक कर देती है लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ देखकर ब्रिट उस पर इलेक्ट्रिक वायर से अटैक करके मार देती है और फिर बाथटब में डालकर एक एक करके 5 वायर उससे कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। अब ब्रिट और मैलिक दोनों ही दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम फिर से हॉफमैन को देखते हैं जो पीटर के फोन से ऑफिसर एरिक्सन को फोन करता है और फिर उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिससे एरिक्सन काफी हैरान होता है और टेक्निकल टीम को पीटर का फोन ट्रेस करने के लिए कहता है। इधर हॉफमैन पीटर के फोन को उस जगह पर रख देता है जहां पर सीवर में कैद लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिससे पता चलता है कि वो सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि अमेंडा के अलावा जॉन का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीटर है। इसके बाद हम ब्रिट और मैलिक को देखते हैं जो अगले रूम में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें ब्लेड लगे हुए ट्रैप के अंदर एक जार दिखाई देता है और वहां से बाहर जाने वाले कमरे में लॉक लगा होता है जो उस जार से कनेक्ट होता है। हालांकि मैलिक ब्रिट को उसके पास मौजूद चाबी से उस लॉक को खोलने के लिए कहता है लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहती है। इधर एरिक्सन की टैग टीम पीटर के फोन की लोकेशन ढूंढ लेती है जिससे एरिक्सन तुरंत ही उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। फिर हम ब्रिट को देखते हैं जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि उन 5 लोगों को मिलकर साथ में काम करना था लेकिन उन लोगों ने बेवकूफी में एक दूसरे को मार दिया। इसके बाद उन्हें वीडियो में बताया जाता है कि जब तक बीकर खून से नहीं भरेगा वहाँ मौजूद दरवाजा नहीं खुलेगा। और अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें 15 मिनट के अंदर ही वो बीकर खून से भरना था जो कि 2 लोगों के लिए काफी मुश्किल था। इसके बावजूद वो दोनों मिलकर उस बीकर को खून से भरने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि मैलिक बेरोजगार था इसीलिए जब उसे एक पुरानी बिल्डिंग को जलाने का काम दिया गया तो वो तैयार हो गया था लेकिन उस बिल्डिंग में 8 लोग भी थे जो उस आग की वजह से मारे गए। हालांकि मैलिक पकड़ा गया था
लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उनके साथ मौजूद फायर इंस्पेक्टर एजली ने झूठी रिपोर्ट लिखी और लूबा जो कि सिटी प्लानर थी उसने ठीक से जांच नहीं की। साथ ही साथ जर्नलिस्ट चार्ल्स ने भी लोगों से ये बात छुपाई थी और क्योंकि ये सब कुछ प्लान करने वाली ब्रिट थी इसी वजह से उन पांचों को यहाँ पर एक साथ रखा गया था क्योंकि वो पांचों ही 8 इनोसेंट लोगों के मरने की जिम्मेदार थे। इसके बाद ब्रिट और मैलिक दोनों ही ट्रैप में हाथ डालकर अपना खून जार में भरने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब पीटर हॉफमैन का पीछा कर रहा होता है तो इस दौरान एरिक्सन भी उसकी फोन की लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। हालांकि पीटर हॉफमैन का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक टेप मिलता है। इसमें बताया जाता है कि वो पिछली बार जिक्सो के ट्रैप से बच गया था और अगर वो चाहे तो इस बार भी बच सकता है, लेकिन उस रूम से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वहाँ पर बने एक बड़े से कांच के बॉक्स के अंदर छुप जाए। इधर जब वो जार ब्रिट और मैलिक के खून से भर जाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैलिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉफमैन पीछे से पीटर पर अटैक कर देता है, लेकिन इस दौरान पीटर उस पर काफी भारी पड़ता है और उसे घायल करके कांच के बॉक्स में डाल देता है जिससे उसे लगता है कि उसने हॉफमैन को पकड़ लिया। इधर हम एरिक्सन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है तो उसे ब्रिट मिल जाती है जो अभी भी जिंदा थी, इसीलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और फिर वहाँ मौजूद कंट्रोल रूम को चेक करता है। वहाँ पर उसे अपनी फोटो के साथ साथ और भी ऑफिसर्स की फोटो मिलती है और जब वो वहाँ पर पीटर का फोन देखता है तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीटर ही है। इधर पीटर जिस रूम में होता है उस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। हालांकि वो हॉफमैन से पूछने की कोशिश करता है कि उसे कैसे खोल सकते हैं। अब वो वहाँ पर पड़े हुए एक टेप की तरफ इशारा करता है। फिर जब पीटर उसे ऑन करता है तो उसे बताया जाता है कि ना तो कभी भी किसी को अब उसकी बॉडी मिलेगी और ना ही अब किसी को उसकी आवाज सुनाई देगी क्योंकि अब वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके बाद देखते ही देखते वो कमरा चारों तरफ से छोटा होने लगता है और वो कांच का बॉक्स उसी कमरे के अंदर बंद हो जाता है। इससे हॉफमैन तो बच जाता है लेकिन पीटर वहीं पर फंस जाता है और उस कमरे के बीच में पिसकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।